गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे लॉ ऑफ डॉट्स के बारे में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी आपका सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया था यूनिट, इसमें जर्नल एक्सेप्शन थे। ठीक है, हमने मीनिंग को समझा, हमने बेसिक एलिमेंट्स को समझा, हमने डिफरेंसेस को समझा, किससे डॉट और क्राइ था, डॉट और कॉन्टैक्ट से। ठीक, फिर हमने जनरल एक्सेप्शन देखे। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, वैकेरियस लाइबिलिटी। वैकेरियस लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसा दायित्व, ठीक, जो खुद के द्वारा ना हो, किसी दूसरे के द्वारा निर्धारित किया गया हो। इसके बारे में भी अच्छे से समझते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या कहा जाता है? प्रतिनिधित्व दायित्व। ठीक, प्रतिनिधित्व यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, उसके बिहाफ पैसा कोई काम करता है, ठीक, उसके द्वारा जब कोई टॉट कमिट होता है, तो उसके द्वारा जिसने यह टॉट कमिट किया है, उसका दायित्व ना होकर जिसकी कहने पर वो काम कर रहा है, उसका दायित्व बन जाएगा उस टॉट के कमिट होने पर। ठीक, हम और आसान भाषा में समझते हैं। देखो, वैकेरियस लायबिलिटीज का सीधा सा मतलब यह होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, हम ऐसे समझते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करता होता है, ठीक, नौकर होता है, मान लीजिए मिस्टर ए जो है ये मालिक है और इनके यहाँ ये नौकरी कर रहा है। ठीक, तो जब इनके यहाँ कोई नौकरी कर रहा है, किसकी नौकरी कर रहा है? बाइक चला, गाड़ी चलाने की नौकरी कर रहा है। ठीक, तो मिस्टर ए को वह किसी जगह पर ले जाते समय कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो किसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी? यहाँ पर मिस्टर ए की जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी, यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी? मिस्टर ए की जिम्मेदारी मानी जाएगी। जैसा कहने का मतलब यह होगा, जब किसी के कहने पर, जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा हो, उसने अपनी शक्तियाँ उनको दी हुई हो। ठीक, यहाँ पर गाड़ी चलाने का राइट, गाड़ी तो ये खुद चला के जा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी शक्तियाँ किसको दे दी? गाड़ी चलाने का राइट दे दिया, ये इनके आधार पर, ठीक, ये कार्य कर रहे थे इनके जगह पर। अब इनके द्वारा कोई शिकायत कर दिया जाता है, टॉट कमिट कर दिया जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मिस्टर ए जिम्मेदार होगा। ठीक है, ऐसा भी हम और एग्जाम्पल समझते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में या तमाम सड़क पर चलते हुए, जब कोई किसी का बाइक से एक्सीडेंट कर देता है, ट्रक का मालिक कोई ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है, तो सबसे पहले किसको ढूंढा जाता है? उसके मालिक को ढूंढा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ड्राइवर ट्रक चला रहा होता है, वो किसके बिहाफ पे काम करता है? अपने मालिक के बिहाफ पे काम करता है। तो इसके आधार पर क्या कहा जा सकता है कि नौकर किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? अपने मालिक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो उसका जिसका दायित्व बनेगा, मालिक का दायित्व बनेगा। ठीक, ये क्या कहा जाएगा, ये किस प्रकार का होगा? इसे कहते हैं प्रतिनिधित्व दायित्व, वैकेरियस लाइबिलिटीज। वैकेरियस माने जब जैसे आपने देखा होगा प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप होता है। ठीक, तो कहने का मतलब होता है, जब किसी के कहने पर कोई व्यक्ति उन्हीं के आधार पर कोई काम कर रहा होता है, तो उसकी कार्य के लिए कुछ टॉट या कमिट करता है, तो उसके लिए वह खुद दायित्व ना होकर वह दूसरा व्यक्ति दायित्व होता है। अब ये भी बात हो गई टॉट में, इसी कुछ क्रिमिनल में है। क्रिमिनल में मान लीजिए किसी के कहने पर कोई व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन उसको पता है, तो उसके लिए दोनों व्यक्ति दायित्व होंगे। लेकिन अपकृत्य में केवल वह व्यक्ति दायित्व होगा जिनके आधार पर वह कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो वैकेरियस लाइबिलिटीज को समझने के लिए इसमें तीन चीजें आती हैं। ठीक, तीन चीजें किन 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 के आधार पर होता है? ठीक, इसमें आता है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। ठीक, यानी प्रिंसिपल यानी कि जो होता है प्रिंसिपल माने प्रमुख, और एजेंट अभिकर्ता का संबंध। ठीक, और किसका? प्रिंसिपल एजेंट का संबंध। ठीक, दूसरा पार्टनरशिप का संबंध, तीसरा मास्टर और सर्वेंट का संबंध। ठीक, इसमें तीन चीजें ले सकते हैं।
तो हम वैकेरियस लाइबिलिटीज तीन आधारों पर, तीन संबंधों में हम देख सकते हैं, बंधित दायित्व का आधार पे कि किन 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 जगह पर यह देखा जा सकता है, ऐसी कौन सी जगहें हो सकती हैं जिन पे हमें क्या दिखेगा, वैकेरियस लाइबिलिटीज दिखेगी। सबसे पहला क्या होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप, यानी कि प्रमुख और अभिकर्ता का संबंध जो होता है, ठीक, उसमें देखेंगे। पार्टनरशिप फर्म में जैसे आपने देखा, पार्टनरशिप सुनी होगी, पार्टनरशिप फर्म में इनका हम रिलेशनशिप देखेंगे, वैकेरियस लाइबिलिटीज का। और लास्ट में देखेंगे मास्टर और सर्वेंट, मालिक और नौकर के बीच में जो क्या वैकेरियस लाइबिलिटीज क्या होती हैं, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल और क्या एजेंट का रिलेशनशिप को समझते हैं। देखिए प्रिंसिपल कौन होता है, जो मालिक होता है, जो प्रमुख होता है। प्रमुख कौन होता है, मान लीजिए आपके पास पांच क्या है एजेंसीज हैं, किसकी एजेंसीज हैं, मान लीजिए सिपाही की एजेंसीज हैं, तो क्या आप पांचों जगह पर बैठ से काम कर सकते हैं, नहीं। आप कौन काम करेगा वहां पे, कौन काम करेगा, आपने किसी नौकर को वहां पे नियुक्त किया है, आपने किसी एजेंट को वहां पे नियुक्त किया है, ठीक। आपने एजेंसी खोली, एजेंसी खोलने के बाद अपने पास वहां पर कार्य को लगा दिया, बैठने वाले को लगा दिया, तो यदि कोई गलती किसके द्वारा होती है, आपके किसी ऑफिस में कोई गलती करता है, वहां का नौकर आपको कोई गलती करता है, कोई फ्रॉड करता है, तो ये क्या माना जाएगा, वह किसका दायित्व माना जाएगा, नौकर की जगह न होकर वह मालिक का दायित्व माना जाएगा, ठीक। यानी कि किसके आधार पर काम कर रहा है, वह अपने मालिक के कहने पर काम कर रहा है। मालिक देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, एक देखा जाता है, इसमें एक केस देखते हैं, लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, ठीक, ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, लॉयड वर्सेस है 1912 का। इसमें लॉर्ड वर्सेस ग्रेस स्मिथ कंपनी में क्या हुआ था, ये समझते हैं। लॉर्ड वर्सेस ग्रेस स्मिथ ये हुआ था, ग्रेस स्मिथ क्या थी, लॉयर की फर्म थी, ठीक, ये लॉयर की फर्म थी, यानी जो वकीलों, जो वकील होते हैं जो उनकी सलाह देते हैं, ठीक। तो इसमें हुआ क्या, एक बहुत एजेड महिला आई, ठीक, एक काफी वृद्ध महिला आई, उन्होंने ये कहा कि हमें अपने दो घरों को बेचकर उसका कुछ इनकम लेना है, ठीक, हमें उनका कुछ इनकम लेकर हमें कोई काम करना है। फिर हुआ क्या, लेकिन इसमें एक काम कर रहे थे लॉयड जो कंपनी में, वो क्या किया उन्होंने, उन्होंने ऐसा किया, उसके ही एक कर्मचारी ने ऐसा किया कि जब उन्होंने, जब जो महिला थी उनके कागज पे अपने नाम पे वो घर को ट्रांसफर करवा लिया, ठीक, बेचा नहीं, बेईमानी पूर्वक, या बेईमानी पूर्वक से जो महिला जो बेच रही थी अपना घर उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया, ठीक। फिर एक उन वृद्ध महिला ने, उस वृद्ध महिला ने केस किया, तो उसने केस में क्या कहा गया, उसने यही कहा गया, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने यही कहा कि ये जो केस है जिसमें जो उनका नौकर काम कर रहा था, ठीक है, उनका जो एजेंट काम कर रहा था, उसके आधार पर वो पूरी फर्म को दायित्व माना कर गया है, उसके सिर्फ उन्हीं को दायित्वहीन नहीं माना गया, वह पूरी फर्म उसके लिए जिम्मेदार थी और उसका मुआवजा पूरा का पूरा उन्हें मिलना चाहिए, ठीक। तो बात समझ में आई, ठीक। अब दूसरा केस इसी में है, एक दूसरा केस है, श्यामा देवी वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी, ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी, इसी केस में हम समझते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया श्यामा देवी केस में समझते क्या हुआ था। स्टेट बैंक इंडिया में एक कर्मचारी थे, ठीक, जो किसके मित्र थे, ठीक, वो थे श्यामा देवी के मित्र थे, वो घर के बगल उनके जानने वाले थे। उन्होंने क्या, वो जो महिला थी वो कहाँ गई, एसबीआई में गई, ठीक,
SBI, देखिए एक महिला थी देवी, ठीक है, जिनको पैसा जमा करना था अपने अकाउंट में, ठीक, और वो जिससे जब बैंक में गए तो जिसको उन्होंने पैसा दिया वो उनके घर के बगल वाला था, ठीक है, उनके घर के बगल वाला था, और उन्होंने कहा ये पैसा मेरा आप अकाउंट में जमा कर दीजिएगा, लेकिन उसने पैसा जमा नहीं किया, वो पैसा लेकर चला गया, मतलब हजम कर गया, बेमानी पूर्वक उसको मिसयूज कर लिया। तो फिर श्यामा देवी ने क्या कहा, ये पूरी की पूरी SBI इसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि वो जो SBI में काम कर रहे थे कर्मचारी उनकी पूरी की वैकेरियस लाइबिलिटीज है। लेकिन कोर्ट इसको पूरी तरह से नकार दिया, कोर्ट ने कहा आपने बैंक को आधार मानकर नहीं उन्हें पैसा दिया था, आपने किसको आधार माना, अपनी मित्रता को आधार मान के दिया था, ना कि आप उनके संबंध पर आधारित थे, फंड के समय SBI के संबंध पर नहीं उनको पैसा दिया, आपने अपनी मित्रता वश उनको पैसा दिया, इसलिए श्यामा देवी को इसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया, और यह कहा गया जो इन्होंने किया है उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक, तो हमने एक चीज देखी प्रिंसिपल और एजेंट, ठीक, ठीक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप हमने देखा। अब अगला क्या है, अगला है पार्टनरशिप रिलेशनशिप। ठीक, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में आप जब पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में बताया गया है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने लाभ का अर्जित करने के लिए कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें वो अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक, कहने का मतलब या दो से अधिक होंगे, और वो क्या कहते हैं पार्टनरशिप का एक बेसिक एलिमेंट ये होता है पार्टनरशिप में काम करने वाला हर एक व्यक्ति उसका मालिक होता है, नौकर खुद होता है, प्रिंसिपल खुद ही होता है और एजेंट भी खुद होता है। तो कहने का मतलब है जब हर मालिक नौकर है, जब हर नौकर मालिक है, यानी कि सब बराबर है, ठीक है, सबको बराबर का अधिकार होगा, लेकिन प्रॉफिट का शेयरिंग उनका अलग अलग हो सकता है। फिर जब हम पार्टनरशिप में देखते हैं जबकि सबका दायित्व बराबर है तो एक के द्वारा किया गया कोई अपकृत किया जाता है, एक के द्वारा कोई गलती की जाती है तो उस गलती के लिए सब जिम्मेदार माने जाते हैं। मान लीजिए पांच नंबर कोई फर्म है, कोई चाय पत्ती बनाते हैं, ठीक है, तो चाय पत्ती में कुछ ऐसा चीज पड़ जाता है जिससे किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो उस चाय पत्ती भले वह किसी एक गलती से हुई हो तो उसको किसके लिए दायी माना जाएगा, उसके पूरे फर्म को दायी माना जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। इसमें भी एक केस आता है हैमलिन वर्सेस रोस्टर। हैमलिन वर्सेस रोस्टर में क्या बताया गया है, पार्टनरशिप में जितने भी व्यक्ति काम करते हैं वही चीज इसमें बताई गई, हैमलिन वर्सेस रोस्टर। हैमलिन वर्सेस रोस्टर के बाद में यही कहता बताया गया कि पार्टनरशिप में जितने भी व्यक्ति करेंगे सबका दायित्व बराबर होगा, किसी एक के व्यक्ति के द्वारा किया गया अपकृत सभी का अपकृत माना जाएगा। ठीक, अब हम समझते हैं एक एक चीज को आगे, ये भी हो गया पार्टनरशिप, आगे हम समझते हैं मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। सबसे ज्यादा जरूरी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं आखिर प्रमुख को क्यों ही जिम्मेदार बनाया जाता है। ठीक, प्रमुख को ही क्यों जिम्मेदार बनाया जाता है, इसके लिए हम एक मैगजीन पढ़ते हैं। इसके लिए हम एक मैगजीन समझते हैं क्वासी फेसिट पर एलिमिया फेसिट पर से। ठीक है, कहने का मतलब यह है जब कोई काम किसी दूसरे के कहने पर कुछ काम किया जाता है तो वह खुद उसके लिए जिम्मेदार ना होकर उसका जिसके कहने पर वह काम कर रहा होता है वह जिम्मेदार माना जाता है। ठीक, एक मैगजीन यह हो गया क्या क्वासी फेसिट पर एलिमिया फेसिट पर से। ठीक, यानी कहने का मतलब क्वासी फेसिट पर एलिमिया फेसिट पर से, यानी कि प्रमुख हमेशा जिम्मेदार होगा किसके, अपने द्वारा नियुक्त किए गए किसी कर्मचारी द्वारा किए गए अपकृत के लिए हमेशा मालिक जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक, ये आखिर क्यों बनाया जाता है, मालिक को किस लिए बनाया जाता है जिम्मेदार, तो उसके पीछे एक ये कार्य करता है। क्या कार्य करता है, ये मैक्सिम कार्य करता है। ठीक, दूसरी बात रिस्पोंडेंट सुपीरियर, दूसरा क्या है रिस्पोंडेंट सुपीरियर।
प्रमुख को उत्तरदायित्व बनाओ। ये जो रिस्पोंडेंट सुपीरियर का जो वैक्सीन होता है और ये फैसिल पर ले लेंगे, फैसिल पर से इन्हीं दोनों के आधारों पर हमेशा प्रमुख को ही जिम्मेदार बनाया जाता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब ठीक, ये चीजें आखिर क्यों ऐसा बनाया जाता है? एक इसका सबसे तीसरा भी सबसे एक मेन रीजन ये है कि जब कभी कोई नौकर काम कर रहा होता अपने मालिक के कहने पर, ठीक, उसके द्वारा जो टॉर्ट किया जाता है, तो यह माना जाता है वह काम किसका था? वह काम तो अपने मालिक का था। व्यवसाय बढ़ाना, व्यवसाय में काम करना, जो भी काम करेगा वह सिर्फ अपने मालिक के लिए काम करेगा, यानी कि वह काम तो मालिक का था, लेकिन मालिक के कहने पर तो वो काम किया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मालिक जिम्मेदार होगा, पहली बार। दूसरी बात यह है कि हमेशा नौकर कमजोर होता है, तो वह उस क्षतिपूर्ति की भरपाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने किसी दूसरे के कहने पर जब काम कर रहा है, नौकर कर रहा है, उसको मन तो है नहीं काम, उसकी मजबूरी ही उसको काम करवा रही है, इसके लिए उससे जब क्षतिपूर्ति ली जाएगी तो उससे कोई क्षतिपूर्ति हो ही नहीं सकती, इसलिए हमेशा मालिक जब नियुक्त करता है, तो मालिक जब नियुक्त करता है तो उसके लिए वही जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक, ये हमने चीजें देखी। ठीक, आगे हम समझते हैं मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। ठीक है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में मास्टर हमेशा हर कार्यों के लिए दायी होगा। इसमें हम दो चीजें देखते हैं। ठीक, सबसे पहले सर्वेंट कौन है? हु इज सर्वेंट? सेवक कौन है, यानी कि नौकर कौन है, सेवक कौन माना जाएगा? ठीक, सबसे पहले बात, आप जब किसी नौकर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, कि वह व्यक्ति नौकर है, तभी तो उसके ऊपर आप जिम्मेदारी समझ के उसको मालिक को नौकर बना सकते हैं, मालिक को जिम्मेदार बना सकते हैं उसके काम के लिए। जब तक यह सिद्ध ही नहीं किया जाएगा कि हमारा नौकर है, मान लीजिए हमारे कहने में किसी ने काम किया, उसने कोई टॉट कमिट कर दिया, मैंने यह कह दिया तो मेरा नौकर ही नहीं है, तो यानी मालिक के ऊपर कोई जिम्मेदारी आएगी नहीं। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, मालिक के आधार पर नौकर किसे कहा जाएगा, सेवक किसे कहा जाएगा, सर्वेंट किसे कहा जाएगा। ठीक, सर्वेंट समझने के लिए सर्वेंट कौन होता है? ठीक, सबसे बड़ी बात, सर्वेंट उसे हम कह सकते हैं जब उस मालिक द्वारा उसी उसकी नियुक्ति की गई हो, ठीक, और उसके और उस पर किसका नियंत्रण हो, उस सर्वेंट पर, उस नौकर पर नियंत्रण किसका हो, मालिक का नियंत्रण हो। ठीक है, उसकी नियुक्ति उसके अंदर हाथ से की गई हो, उसके आधार पर, ठीक, उस पर नियंत्रण किसका हो, मालिक का नियंत्रण हो, और उसको यह भी अधिकार होना चाहिए जब चाहे उसे हटा सकते हैं। यदि ऐसी चीजें की जाती हैं तो माना जाएगा कि वह व्यक्ति उनके अधीन ही कार्य कर रहा है। कहने का मतलब, जब नियुक्त करने का अधिकार हो और हटाने का अधिकार हो और उनके नियंत्रण में जो अधिकार माना जाता है, तो यह क्या माना जाता है कि वह उस व्यक्ति का नौकर है। ठीक है, ठीक, ये चीज तक हम आगे यहां तक समझा, यहां तक हम लोगों ने बातें को समझी। ठीक, इसके लिए हम दो चीज समझते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्विस। ठीक, सेवा की संविदा, सेवा के लिए संविदा। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेवा की संविदा, सेवा के लिए संविदा। इन चीजों के बीच में हम डिफरेंस समझते हैं। देखिए, सेवा कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस का मतलब क्या होता है, जब कोई स्वतंत्र ठेकेदार होता है, जैसे जिसे हम ठेकेदारी काम करते हैं, जिससे हमें केवल काम कराने से मतलब होता है, हमें ना हमने उनकी नियुक्ति की है, ना हमें ऊपर कोई नियंत्रण है, ना हम उनको हटा सकते हैं। ठीक है, बस हम उनका पैसा रोक सकते हैं। मान लीजिए अपने ठेके पर घर बनाने को देंगे, उसमें कोई उससे किसी को चोट लग जाती है या कोई काम कर रहा होता है उसे चोट लग जाती है, तो उसके लिए वही जिम्मेदार है। यानी कि जब ठेकेदारी द्वारा काम कराया जाता है, ठेकेदारों द्वारा कोई काम कराया जाता है, तो किस प्रकार काम माना जाता है? ठीक, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होती है, जब आप अपने अधीन अपने यहाँ दिहाड़ी पे काम करवाते हैं, ठीक है, डेली वेजेस पे काम करवाते हैं, तो वहां समय जो काम होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्विस होता है। अगली क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑन सर्विस के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, और जो बचे हुए चीजें हैं अगली क्लास में हम इसके चर्चा करेंगे।